के ऊपर न्यूमेरिकल है, मैंने आपके ग्रुप पे भी शेयर कर दिए हैं। और आप लोगों ने बच्चे क्या करना है कि आप लोग जो है अभी अपने साथ पेन पेंसिल और कैलकुलेटर रखेंगे सो दैट आप साथ साथ मेडिकल कर सकें। ओके, सो नेक्स्ट वन इज वी स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल 9.22। मैं स्टेटमेंट रीड करता हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सो ए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट contains 1 kilogram of air at pressure 1 bar and temperature 300 Kelvin. So, as per the statement, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दिया हुआ है और उस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में आपको प्रेशर गिवन है 1 bar और टेम्परेचर गिवन है 300 Kelvin. When 1000 kilojoule of work is done on air, its parameter changes to 2.5 bar and 310 Kelvin. यानी कि इस सिस्टम के ऊपर जो वर्क किया गया है और वो वर्क किया है हमने 10 किलो जूल, तो जिस उसके जो पैरामीटर है, जो प्रेशर है 1 बार से 2.5 बार हो गया और जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन से 310 केल्विन हो गया। इफ द पिस्टन सिलेंडर असेंबली एक्सचेंज हीट ओनली विद द रिजर्वायर मेंटेन एट 300 केल्विन, यानी कि जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है उसके पास सिर्फ वो सिर्फ एक ही रिजर्वायर से अगर अगर हीट इंट्रैक्शन कर रहा है तो जिसका टेम्परेचर केल्विन है, मेक कैलकुलेशन फॉर एंट्रोपी चेंज ऑफ एयर, एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिजर्वायर एंड हीट ट्रांसफर फ्रॉम द एयर, कमेंट ऑन द ट्रू और फॉल्सहुड ऑफ द क्लेम। ऐसे तो हमें देख के मालूम पड़ रहा है कि अगर मान लो सिंगल रिजर्वायर से अगर इंट्रैक्शन है, इसका मतलब वैसे ही वो पॉसिबल नहीं है। ओके, आफ्टरवर्ड्स अब हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है और वो कैलकुलेशन क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट, एक तो हमें कैलकुलेट करनी है एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिजर्वायर एंड हीट ट्रांसफर फ्रॉम द एयर। तो सबसे पहले आप जैसे हम लोग हर न्यूमेरिकल में करते हैं क्या लिखेंगे हम लोग गिवन, तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन। इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, सबसे पहले आपको गिवन है इनिशियल पॉइंट के ऊपर प्रेशर। सो आप सब लोग लिखें साथ साथ कि इनिशियल पॉइंट के ऊपर क्या गिवन है। हाँ जी, लिख रहे हैं आप लोग। चलो एक काम करता हूं, मैं आपको ये क्वेश्चन जो है व्हाइट स्क्रीन पे करके दिखाता हूँ एज यूजुअल। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या लिखते हैं गिवन। सो व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, क्या गिवन है आपको इनिशियल पॉइंट पे, P1 गिवन है, P1 इज इक्वल टू 10 बार। और क्या गिवन है आपको, T1 गिवन है, T1 इज इक्वल टू 300 केल्विन। और उसके अलावा क्या गिवन है आपको, यू हैव गिवन P2, P2 इज इक्वल टू कितना, P2 गिवन है आपको, द वैल्यू ऑफ P2 is 2.5 bar. So P2 की वैल्यू आपको गिवन है 2.5 bar. और उसके अलावा आपको गिवन है, यू हैव गिवन T2, T2 की वैल्यू आपको गिवन है, जो T2 की वैल्यू गिवन है दैट इज 310 केल्विन। ओके, और उसके अलावा इसका एक डायग्राम है, हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम की एक सिंगल रिजर्वायर है जिसका जो टेम्परेचर है वो कितना गिवन है आपको, टी जो है दैट इज इक्वल टू 300 केल्विन। और इसके साथ एक इंजन है, ये इंजन है जिसको हीट मिल रही है यहां से, ओके ये इसको हीट मिल रही है। और इस आपको कैलकुलेट क्या करना है,
जो ये इंजन है ये राइट, तो हमें एज पर द स्टेटमेंट वी हैव टू कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज ऑफ द एयर, एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिजर्वायर एंड हीट ट्रांसफर फ्रॉम द एयर। ओके, तो तीन चीजें और आपको क्या गिवन है, सीपी और आर की वैल्यू। सीपी और आर की वैल्यू वैसे स्टैंडर्ड होती है, अगर नहीं भी गिवन तो आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए। दिस इज 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन, और आर की वैल्यू होती है 0.287 और सीपी की वैल्यू होती है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वैल्यूज अगर आपको नहीं गिवन तो आप ये स्टैंडर्ड वैल्यूज को हम लोग यूज कर सकते हैं। ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू है ये एयर के लिए होती है। ओके, सो अब हम लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करते हैं। बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर आपको किसी भी प्रोसेस के बारे में मेंशन नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मान लेते हैं। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए कल हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था डीएस, क्योंकि यू नो S2 - S1 जो डीएस की वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको मैंने बताया था। अगर स्मॉल एस का मतलब एंट्रोपी और कैपिटल एस का स्मॉल एस का स्पेसिफिक एंट्रोपी और कैपिटल एस का एंट्रोपी, इसका फॉर्मूला कल मैंने आपको लिखवाया भी था। क्या था, एम अगर आपको याद हो सीपी लॉग T2 डिवाइड बाय T1 प्लस एम आर लॉग P1 डिवाइड बाय P2। तो ये फॉर्मूला आपको अगर ध्यान हो, कल जो मैंने आपको वीडियो शेयर किया था, जो मैंने आपको कल लेक्चर लिया था उसमें बताया था, ये फॉर्मूला है। तो MCP log T2 by T1 plus MR log P1 by P2। अब हम क्या करेंगे, इस सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज गिवन है, आपको M की वैल्यू दी रखी है 1, सो 1, उसके बाद स्टार। CP की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, कितनी है वो, इट इज 1005। So, उसकी वैल्यू पुट करते हैं 1005। उसके अलावा लॉग आर लॉग आपको T2 की वैल्यू गिवन है 310 डिवाइड बाय 300 केल्विन। उसके बाद क्या है, प्लस एम की वैल्यू 1, उसके बाद स्टार आर की वैल्यू 0.287, देन स्टार मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, लॉग P1 बाय P2। P1 की वैल्यू 1 थी और P2 की वैल्यू 2.5 थी। आपने सारी वैल्यूज पुट कर दी इसके लिए इसके अंदर। अब क्या क्वेश्चन कहता है कि जब यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, हम चेंज ऑफ एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जरा कैलकुलेशन करो, बताओ मुझे क्या वैल्यू आती है। ये स्टूडेंट्स बताइए क्या वैल्यू आती है एंट्रोपी की। यस बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी, जरा इसको सॉल्व करके मुझे बताओ क्या वैल्यू आएगी। हाँ जी बच्चों, आप जब सारी कैलकुलेशन कर लेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आता है हमारा -0.23 किलो जूल पर केल्विन। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, एंट्रोपी की वैल्यू है। अब हमारे पास क्या आ गई, एंट्रोपी की वैल्यू आ गई। ओके, तो इस क्वेश्चन में पूछा था हमसे, एक मेक कैलकुलेशन फॉर एंट्रोपी चेंज ऑफ एयर और एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिजर्वायर एंड हीट ट्रांसफर फ्रॉम द एयर। अब वी नो फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंगली
इसमें क्या होता है डेल्टा क्यू, क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डी यू. ओके नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ डी यू. डी यू का मतलब क्या होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी. और आप सबको मालूम है जो डी यू का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू एम, उसके बाद एम CV dt. So this is the formula for this is formula for du. So du का formula हमने put कर दिया that is m CV dt. यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं du की value calculate कर सकते हैं जो होती है 1 multiply में CV. CV की value क्या होगी कौन देगा मुझे? Yes बच्चों what is value of CV? हाँ जी आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. तो ये सीवी की वैल्यू क्या होगी? हाँ जी यस एनीवन, दीपक शर्मा, गणेश, गुरुदेव, कमल, यस प्लीज टेल मी कि सीवी की वैल्यू क्या होगी. हाँ जी बताइए बच्चे सीवी की वैल्यू क्या होगी. चलो मैं आपको एक हिंट देता हूं. एक रिलेशन होता है और वो रिलेशन क्या है? सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर. आपको सीपी की वैल्यू गिवन है, आपको सीवी की वैल्यू गिवन है, सॉरी आपको सीपी की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है. तो यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग आर सीवी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. सीपी वैल्यू 1.005 माइनस सीवी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है इज इक्वल टू आर 0.287. और यहां से आप क्या करेंगे सीवी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. और जो सीवी की वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने के बाद वो वैल्यू आती है हमारी 1.005 माइनस 0.287, राइट. आप क्या कर सकते हो इस वैल्यू को यहां पर पुट कर सकते हो. मैं क्या करता हूं आपके द्वारा ये वैल्यू लिख देता हूं यहां पर. सो 1.005 माइनस 0.287 दिस इज द वैल्यू ऑफ सीवी. उसके बाद स्टार डीटी की वैल्यू क्या होगी? 310 माइनस 300. और जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहां से आप लोग du की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. और जो du की वैल्यू आएगी द वैल्यू ऑफ du विल बी 7.18 किलो जूल. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ du. अब हम क्या करते हैं ये सारी वैल्यूज इस जो हमारी ये इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन है इसके अंदर पुट कर देते हैं. सो q इज इक्वल टू W प्लस डी यू. अब W की वैल्यू हमें क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में दे रखी है -10. उसके बाद प्लस प्लस में कितनी वैल्यू है? 7.18. तो यहां से हमारे पास Q की वैल्यू आ गई -2.82 किलो जूल. तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था? यू हैव टू कैलकुलेट द हीट सप्लाइड. तो जो ये वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है? ये Q की वैल्यू है. तो Q की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी. ये Q की वैल्यू आ गई -2.8 किलो जूल. ओके आफ्टरवर्ड इसके बाद हम तीसरा हमें कैलकुलेट करना है एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिजर्वायर. अब एंट्रोपी चेंज ऑफ रिजर्वायर आपको सबको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है? डी एस इज इक्वल टू Q अपॉन टी, डेल्टा Q अपॉन टी. मैं फिलहाल R यूज कर रहा हूं डेल्टा के लिए. अब डेल्टा Q की वैल्यू आपके पास है -2.82. अब बिकॉज ये हीट सप्लाई हो रही है तो हम माइनस की साइन लेंगे, क्या लेंगे? प्लस लेंगे, क्योंकि रिजर्वायर तो हीट सप्लाई कर रहा है ना. ओके
this delta ds for the reservoir is 2.82 divided by 300. तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0.0094 किलो जूल पर केल्विन। ये वैल्यू किसकी आई? ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास रिजर्वायर की वैल्यू। मैं काम करता हूँ, रिजर्वायर लेता हूँ, डीएस चेंज इन एंट्रोपी फॉर रिजर्वायर इज दिस मच। अब आपके आपको क्या कैलकुलेट करना है, ओवरऑल एंट्रोपी चेंज क्या होगा, क्योंकि एक तो एंट्रोपी चेंज होगी रिजर्वायर की, दूसरी जो एंट्रोपी चेंज हो रही है वो हो रही है एयर की, तो ओवरऑल एंट्रोपी क्या होगी। सो ओवरऑल एंट्रोपी चेंज किसके इक्वल होगा, आप दोनों एंट्रोपी को ऐड कर दो, एक डीएस फॉर एयर और प्लस डीएस फॉर रिजर्वायर, और आप क्या करो दोनों को ऐड कर दो। अब एयर वाली वैल्यू कितनी थी, 0 - 0.3, और ये वैल्यू कितनी है, प्लस 0.0094। तो जो ये वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू विल बी द टोटल एंट्रोपी चेंज, और ये वैल्यू है -0.2206 किलो जूल पर केल्विन। तो तीनों वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली। अब एक फोर्थ इसमें पूछा है हमसे कि क्या ये सिस्टम पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। आप सब जानते हैं कि एज पर क्लॉसियस थ्योरम डीएस की वैल्यू है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव होती है यानी कि अगर ये वैल्यू लेस देन जीरो होती है तो उस केस में जो सिस्टम है वो क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। सो हेयर आल्सो कि वैल्यू माइनस में है, इसका मतलब जो ये सिस्टम है ये क्या, इम्पॉसिबल सिस्टम है। सो दिस इज अ न्यूमेरिकल। हाँ जी बच्चों, किसी को समझ में ना आया दोबारा बताऊं, बोलिए। यस स्टूडेंट्स, किसी को ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो या दोबारा करके बताऊं मैं? हाँ जी बच्चों बोलो। यस गुरुदेव, कमल, दीपक, दीपक कुमार, राजा, रोहित कुमार, शिवम, अजय नांदल। हाँ जी, नो डाउट रोहित कुमार। एनीबडी एल्स, कोई और? हाँ जी मिथुन, आगे चलें फिर अगले न्यूमेरिकल पे। सो अगला न्यूमेरिकल, अगला क्वेश्चन है दिस वन। सो न्यूमेरिकल नॉर्मली इस टाइप के एग्जाम में आता है, 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है नॉर्मली। 1 m³ ऑफ एयर इज हीटेड रिवर्सिबली एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम 290 केल्विन टू 580 केल्विन। एक किलोग्राम एयर है जिसको हम कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कर रहे हैं जिससे इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, और देन इट इज कूल्ड रिवर्सिबली एट कांस्टेंट वॉल्यूम बैक टू इनिशियल टेम्परेचर। इफ द इनिशियल प्रेशर इज 1 bar, वर्क आउट द नेट हीट फ्लो एंड ओवरऑल चेंज इन एंट्रोपी, रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑन TS डायग्राम। सो ये क्वेश्चन है, मैं आपको यही क्वेश्चन व्हाइट स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके दिखाता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी स्टेटमेंट होगी। सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, वन मीटर क्यूब ऑफ एयर इज हीटेड
हम क्या करते हैं इस स्टेटमेंट से क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं पहले इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले आपको गिवन है मास, सो एम इज इक्वल टू 1 kg। उसके बाद क्या गिवन है आपको, आपको गिवन है जो पहला प्रोसेस है वो क्या है, कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। सो 1 to 2 इज क्या प्रोसेस है, कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस। फिर ड्यूरिंग दिस जो हमारे पास T1 गिवन है, T1 है हमारे पास 290 केल्विन और आपको T2 गिवन है 580 केल्विन एंड इज देन कूल्ड रिवर्सिबली एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम बैक टू इनिशियल टेम्परेचर। सो इसका मतलब क्या हो गया कि जो T3 है, T3 इज इक्वल टू T1 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 290 केल्विन। और जो हमारा सेकेंड प्रोसेस है वो क्या है, 2 to 3 ड्यूरिंग दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, सो अच्छा ओके राइट। सो ये न्यूमेरिकल था, इस न्यूमेरिकल से मैंने क्या किया, ये इसकी स्टेटमेंट जो है, तो अब सबसे पहले मैंने लिखा गिवन, इस क्वेश्चन में गिवन क्या था। ओके, ये हमारे डिफरेंट प्रोसेस थे, मैंने वो ड्रॉ कर लिए, जो डाटा गिवन था वो ले लिया, सीपी और आर गिवन है। अब इफ द इनिशियल प्रेशर इज, इनिशियल प्रेशर का मतलब क्या है, P1 कितना दे रखा है आपको, 1 bar आपको इनिशियल प्रेशर दे रखा है। रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑन TS प्लॉट, सबसे पहले क्या लिखा है कि आपको TS प्लॉट के ऊपर डायग्राम ड्रॉ करना है, वेरी गुड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, TS प्लॉट के ऊपर डायग्राम प्लॉट करते हैं। ओके, देन तो ये हमारा हो गया प्रोसेस। यहां पर वैल्यू जो होगी वो टी की वैल्यू है, सो हियर द वैल्यू इज टी। सिमिलरली जो इसके नीचे वाले एक्सिस पे वैल्यू है वो वैल्यू है एस। चलो एनी हाउ इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, एस है, और यहाँ ऊपर जो वैल्यू है वो टी की वैल्यू है, राइट। मैं वो ड्रॉ ही कर देता हूँ, राइट। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, और जब हम हीट कर रहे हैं टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए कर्व ड्रॉ करते हैं। ये कर्व होगी, ड्यूरिंग दिस प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्रेशर इज कॉन्स्टेंट। ओके, सो इस प्रोसेस के ऊपर जो हमारा प्रेशर है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, और दिस इज आवर 1 to 2 प्रोसेस। और हियर इट इज अ पॉइंट नंबर 1, हियर इट इज पॉइंट नंबर 2, सो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया, ये हमारा पॉइंट नंबर 2 हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, चलो मैं यहां पर पॉइंट्स भी मेंशन कर देता हूं। So this is
This is point number one. Similarly, here it is point number two. Right. उसके बाद पॉइंट उस ये तो हमारा हो गया फर्स्ट प्रोसेस वन से लेकर टू. इसके बाद है प्रोसेस टू से लेकर थ्री, दैट इज कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जिसमें टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो अगेन हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर एक कर्व ड्रॉ करते हैं. सो दिस इज आवर कर्व. Yes. So this one, this is curve number two, and here it is point number three. I hope now you have an idea. This is 1 to 2, this is 2 to 3. This is exactly not the curve which we want. I try to insert again. Anyone free flow? This one. Yes, this one. This curve. Okay, so here इसकी जो direction है वो क्या है, ऊपर की तरफ है, और जो इसकी जो direction है वो नीचे की तरफ है. So, इस तरीके से हमने क्या किया, इसको टीएस कर्व पे ड्रॉ कर लिया. सो अब नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है आपको इस क्वेश्चन के अंदर, रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑन टीएस डायग्राम जो हम कर चुके हैं, वर्क आउट द नेट हीट फ्लो एंड ओवरऑल चेंज इन एंट्रोपी. सो सबसे पहले तो हमें हीट फ्लो निकालना है. क्यों हीट फ्लो कैसे, बिकॉज इस पूरे प्रोसेस में जो हीट हम लोग दे रहे हैं, यस वन मोर थिंग, दिस फिगर विल बी अप टू दिस मच हाइट ओनली. व्हाई दिस इज फ्रॉम दिस मच हाइट, उसका रीजन मैं बताया था साथ साथ में आपको, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर है. जो फर्स्ट पॉइंट है और थ्री पॉइंट है उसके ऊपर टेम्परेचर सेम है, तो जो ये वाला पॉइंट है, जो ये कर्व है, वो भी इस पॉइंट तक आएगी. ओके, सो आई होप नाउ यू विल अंडरस्टैंड दिस वैल्यू. ओके, अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो हीट हमने इस पूरे प्रोसेस में, दोनों प्रोसेस में दी है, वो हमें कैलकुलेट करनी है. तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं क्यू की वैल्यू. सो इस पूरे प्रोसेस में Q, एक तो वन से लेकर Q की वैल्यू इज Q इज इक्वल टू Q वन टू टू और प्लस Q टू टू थ्री. अब आप जानते हैं जो वन टू टू है उसका जो फॉर्मूला क्या बनेगा, M वन टू टू का प्रोसेस क्या है, कॉन्स्टेंट प्रेशर. तो M Cp इंटू में T2 माइनस T1 और प्लस जो दूसरा प्रोसेस है एम सी पी इंटू में, सॉरी एम सी वी, बिकॉज द प्रोसेस इज कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. सो दिस इज एम सी वी इंटू में टी टू. अब देखो यहां पर टी टू क्या है,
यहाँ पर T3 जो इसका T2 है वो क्या है T3 यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर T3 माइनस में T2। अब हम क्या करेंगे इस सब की वैल्यू को पुट कर देंगे। वन मोर थिंग, एक और इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको मास की वैल्यू दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर, यस दे रखी है। आपको क्या करना है, सीपी की वैल्यू क्वेश्चन दे रखी है, सीवी की वैल्यू जैसे मैंने बताया है। चलो मैं क्या करता हूँ आपके लिए वैल्यू पुट करता हूँ, एम की वैल्यू वन थी उसको फिलहाल मैं छोड़ रहा हूँ, जब लेता हूँ वन उसके बाद स्टार फिर सीपी की वैल्यू 1.005 देन स्टार देन टी टू माइनस टी वन। टी टू कितना है 580 माइनस टी वन 290। ओके उसके बाद प्लस फिर क्या आएगा एमसीवी, तो एमसीवी में वन उसके बाद स्टार सीवी की वैल्यू जैसे हमने पहले निकाली थी वैसे निकालेंगे, तो सीवी की वैल्यू हमारी बन जाएगी 1.005 माइनस 0.287। ये वैल्यू मैंने क्या किया इसमें से माइनस कर दी, जो ये वैल्यू होगी वो किसकी होगी, वो वैल्यू होगी हमारी सीवी की। उसके बाद स्टार में क्या है टी थ्री, टी थ्री की वैल्यू कितनी है 290 माइनस 580 आगे वैल्यू। यहां से हमारे पास क्या आएगी क्यू की वैल्यू आ जाएगी और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आएगी 99.88 किलो जूल। सिर्फ क्या करना है आपको इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद जो ये वैल्यू आएगी ये वैल्यू आज अप्रोक्सीमेटली आएगी 81.88 किलो जूल, 8 किलो जूल अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, तो वैल्यू इज 81.8 किलो जूल। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको क्या कैलकुलेट करना है, एंट्रोपी चेंज। अब जो इसकी ओवरऑल एंट्रोपी है जो डी एस है वो क्या है, एक तो एस वन से लेकर टू और प्लस एस टू से लेकर थ्री। अब वन से लेकर टू की बात करें तो क्यू अपॉन टी सेम टेम्परेचर होता है इसका, तो आर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा क्यू वन अपॉन टी वन प्लस ये फॉर्मूला इसके लिए डेल्टा क्यू अपॉन टी। बट ये फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे, अब आप देखो वन से लेकर जो टू प्रोसेस हमारा वो क्या है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, और कल हमने डेरिवेशन करी थी तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था एम सी पी लॉग टी टू डिवाइड बाय टी वन। और आपको याद होगा कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए सिर्फ ये सेम फॉर्मूला है एम सी वी लॉग टी टू बाय टी वन, यहाँ पे टी टू वैल्यू टी थ्री है और टी वन की वैल्यू है टी टू। अब आपने क्या करना है सिर्फ इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, एम की वैल्यू हमें पता है वन होती है, फिलहाल मैं क्या करता हूँ उसकी वैल्यू पुट नहीं करता, एम की वैल्यू वन है तो उसको छोड़ रहा हूं सीपी उसके बाद लॉग लॉग की टी टू, टी टू वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, द वैल्यू ऑफ टी टू इज हाउ मच 580 डिवाइड बाय 290। उसके बाद प्लस एम की वैल्यू वन छोड़ दी हमने सीवी सीवी लॉग टी थ्री, टी थ्री की वैल्यू कितनी थी 290 डिवाइड बाय 580। ओके जी अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू क्या आएगी, देखो सीपी की सीपी वैल्यू लॉग टू प्लस सीवी लॉग 0.5। आपके पास सीपी की वैल्यू आपके पास सीवी की वैल्यू सारी वैल्यूज आप पुट कर देंगे तो आपके पास क्या जाएगा यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी, और जो इसकी वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने के बाद वो वैल्यू आती है 0.184 यूनिट क्या होंगे किलो जूल
पर कैलोरी। तो इसीलिए ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, आपको प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए और आप इस तरीके से ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ओके।